तीन का पार्ट तीन शब्द विचार समझाऊंगी। इससे पहले भाग में मैंने आपको बताया कि शब्द किसे कहते हैं तथा शब्दों को हमने किन किन आधारों पर विभाजित किया था। तो पहला आधार था प्रयोग के आधार पर और दूसरा था अर्थ के आधार पर। बच्चों मैंने आपको बताया कि प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भागों में विभाजित किया गया था, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं ये भी मैंने आपको समझाया तथा विकारी शब्दों के कितने भेद थे ये भी मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताऊंगी अविकारी शब्द किसे कहते हैं। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल तथा कारक के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उन शब्दों को हम अविकारी शब्द कहते हैं। किन शब्दों को कहते हैं अविकारी शब्द? जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल तथा कारक के आधार पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। बच्चों अविकारी शब्दों को चार भेद हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है योजक या समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, योजक या समुच्चय बोधक या विस्मयादि बोधक। बच्चों इसके बाद आता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर भी शब्दों के दो भेद हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। बच्चों क्या आप जानते हैं सार्थक शब्द किन्हें कहते हैं? चलिए मैं बताती हूँ। सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है, जैसे पुस्तक, बंदर। निरर्थक शब्द किसे कहते हैं बच्चों? चलिए बताती हूँ मैं आपको। निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता, जैसे वाना और शायद। बच्चों आज मैंने आपको बताया कि अविकारी शब्द किन्हें कहते हैं तथा अविकारी शब्दों के कितने भेद हैं। उसके बाद मैंने आपको समझाया कि अर्थ के आधार पर भी शब्दों के दो भेद हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो बच्चों आपको क्या करना है, आपको ये सारा ध्यान से पढ़ना है, इसे समझना है। उसके बाद आपको जो वर्कशीट दी जाएगी उसे आपको लिखकर याद करना है। धन्यवाद।